आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में विश्व के प्रमुख देशों की टीमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। विश्व कप का ऑस्ट्रेलिया में मंच तैयार हो चुका है, उल्टी गिनती जारी है, महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में आईसीसी ने विश्व की टॉप सलामी जोड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया है। हम आज आपको इन टॉप 5 सलामी जोड़ियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आखिर टॉप 5 में किस देश की सलामी जोड़ियों ने स्थान बनाया है? पहले 3 स्थानों पर किस देश की सलामी जोड़ियों ने अपना कब्जा किया? यह सलामी जोड़ियां आखिर टी20 विश्व कप में अपने अपने देश के लिए पहली विकेट के लिए कितनी ठोस नींव तैयार करेंगी? तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स एपिसोड। टॉप 5 में पहले स्थान पर है पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी, कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर कम बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। एमआर ऑफ टायर टी20 में बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने किसी भी अन्य सलामी जोड़ी की तुलना में एक साथ सबसे अधिक रन जोड़े हैं। इस सलामी जोड़ी ने पिछले साल के टी20 विश्व कप में टॉप 3 रन बनाने वालों में अपना नाम शामिल करवाया था। पाकिस्तान इस बार भी विश्व कप खिताब के लिए चुनौती देने में सक्षम है। इस टीम का मिडल ऑर्डर भी विश्वसनीय लग रहा है। बाबर आजम आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग नंबर 3, करियर औसत 43.41, स्ट्राइक रेट 130.03, लेटेस्ट टी20 स्कोर 4-87, अविजित 9-36 और 8। मोहम्मद रिजवान आईसीसी टी20 बल्लेबाज रैंकिंग टॉप 1 नंबर पर, करियर औसत 52.53, स्ट्राइक रेट 128.57, लेटेस्ट टी20 स्कोर 1-63, 88, 8, अविजित 88। भारत टॉप 5 में दूसरे स्थान पर है भारतीय टीम। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और रोहित शर्मा बीते 5 साल से अधिक समय से सबसे खतरनाक सलामी जोड़ी में से एक है। भारत के लिए दोनों बल्लेबाज टी20 विश्व कप में किसी को भी पीछे छोड़ने में सक्षम हैं। केएल राहुल पिछले साल टूर्नामेंट में भारत के प्रमुख स्कोरर रहे थे। रोहित कभी भी किसी टीम के सामने उल्ट फेर करने की काबिलियत रखते हैं, खासकर कप्तान के रूप में उनका नेतृत्व बेहतरीन रहा है। केएल राहुल आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग 14वां स्थान, करियर एवरेज 39.57, स्ट्राइक रेट 140.40, लेटेस्ट टी20 स्कोर 57, अविजित 51, 1-10 और 55। रोहित शर्मा आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग 16वां स्थान, करियर एवरेज 31.94, स्ट्राइक रेट 140.59, लेटेस्ट टी20 स्कोर 0-43, 0-17 और 46। न्यूजीलैंड टॉप 5 में तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी। 36 वर्षीय अनुभवी मार्टिन गप्टिल का पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन रहा है। विकेट कीपर कम बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे के साथ वे बेहतर विकल्प हैं। कॉनवे को वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ समय पहले ही सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रमोट किया था, जिसमें उनका प्रदर्शन गजब का रहा। वहीं युवा गन फिन एलन एक अन्य शुरुआती विकल्प हैं। इस अनुभवी जोड़ियों का न्यूजीलैंड को लाभ मिलेगा। फन कॉनवे आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग नंबर 7, करियर औसत 47.2, स्ट्राइक रेट 138.28, लेटेस्ट टी20 स्कोर 21-42, 43-46 और अविजित 36। मार्टिन गप्टिल आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग स्थान 10वां, करियर औसत 31.79, स्ट्राइक रेट 135.8, लेटेस्ट टी20 स्कोर 15-20, 16-2 और 45। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को होम पिच का लाभ मिल सकता है। टी20 विश्व कप में कप्तान आरोन फिंच अपने साथी डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करना चाहेंगे।
ये दोनों 35 वर्षीय बल्लेबाज अनुभवी हैं। टी20 में इनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ग्रीन का हाल में ही प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, परंतु वह फिलहाल तक विश्व कप का हिस्सा नहीं है, परंतु कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाएगा। एरॉन फिंच, आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग, स्थान 6, कैरियर एवरेज 34.97, स्ट्राइक रेट 144.88, लेटेस्ट टी20 स्कोर 58, 7, 31, 22 और 29। डेविड वार्नर, आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग, स्थान 48, कैरियर औसत 33.3, स्ट्राइक रेट 141.18, लेटेस्ट टी20 स्कोर 14, 39, 21, अविजित 70 और 53। पांचवां स्थान श्रीलंका, पांचवें स्थान पर है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम में एशिया कप जीतने के बाद अति आत्मविश्वास भर चुका है। एशिया कप टूर्नामेंट में शीर्ष दो बल्लेबाज टी20 विश्व कप में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। ये बल्लेबाज हैं पथुम निसानका और विकेटकीपर कुशल मेंटिस। दोनों बल्लेबाजों ने एशिया कप में भारी स्कोर किया था। पथुम निसानका, आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग, स्थान 8, करियर औसत 29.66, स्ट्राइक रेट 115.58, लेटेस्ट टी20 स्कोर 8, अविजित 55, 52 और 20। कुशल मेंटिस, आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग, स्थान 56, करियर औसत 20.90, स्ट्राइक रेट 126.47, लेटेस्ट टी20 स्कोर 0, 0, 57, 36 और 60। ये थी हमारी स्पोर्ट्स एपिसोड की खास जानकारी। अगले एपिसोड में हम विश्व कप के संदर्भ में कुछ नई ताजा तरीन जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।